आज हम घर के ही तीन चीज़ों से जैम बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो महीनों भर स्टोर करके इसका स्वाद ले सकती हैं। तो ये हमने चार सेव लिए हैं और चार सेव को। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम गुप्ता और मन्ना किचन में आपका स्वागत है। जैम बनाएंगे और घर ही पर बनाएंगे बहुत आसान तरीके से और बहुत इसका हेल्दी भी रहेगा, स्वाद में भी बहुत अच्छा बनेगा। और मार्केट में जो जैम मिलते हैं वो केमिकल वाले मिलते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो हम इसे घर ही पर बनाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। तो हम इन सेवों को छील लेंगे और चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे और काटने के बाद तो इसमें जो रहता है बीच में वो सब साफ निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। तो हमने ऐसे कट कर लिए हैं सब सेवों को और इसके बीच में का जो है, जो इसका बिया आता है, जो किनारे का जो भाग रहता है, ये सबको हम ऐसे निकाल करके सबको साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी न इसमें का बिया रहे ना उसमें का जो रहता है टाइट बीच में का बीए के छिलका, तो वो सब हम इसे अलग कर लेंगे। फिर कुकर में इसको डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, चम्मच से समझिए कि 3 चम्मच, और इसमें ढक्कन लगा देंगे और गैस पर रख देंगे। और इसमें 1 से 2 सीटी हम लगाएंगे और जब 1 से 2 सीटी लग जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे और गैस से उतार लेंगे। जब इसमें का हवा निकल जाए तो तब हम इसमें का ढक्कन खोलेंगे। तो इसका हवा निकल गया है तो अब हम ढक्कन निकाल लेंगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और कुकर में इसको उबालने से ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट गल जाता है। तो ये बहुत अच्छे से गल गया है तो अब हम इसको एक पैन में डाल देंगे और इसमें हम ज़्यादा चीज़ यूज नहीं करेंगे, बस 3 ही चीज़ यूज करना है। तो ये जैम लिए हैं और इसको हमने कुकर में उबाल लिए हैं, अब इसको फिर गैस पर रखेंगे। तो ये हमने गैस पर रख दिए हैं। अब इसमें स्वादानुसार मीठा के लिए चीनी यूज करेंगे, आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमने चीनी यूज किया है और अपने मिठास के अनुसार इसमें चीनी कम या अधिक आप कर सकती हैं। और फिर इसमें जब ये चीनी और सेव जो है वो अच्छे से पक जाएगा तो चीनी जो है जमे ना, तो इसके लिए हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। और कलर के लिए हम इसमें फ्रूट कलर यूज किए हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर यूज नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे हमने कलर के लिए फ्रूट कलर यूज किया है, आप कोई भी कलर यूज कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। और ये हमने 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डाले हैं ताकि जो चीनी इसमें पड़ा है वो जमे ना और जैम अच्छे से मतलब बने और स्वाद में भी बहुत अच्छा रहता है, टेस्टी भी रहता है। जो मार्केट से हम लोग जैम लाते हैं वो केमिकल वाला होता है, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है। तो आप ऐसे सेव का जैम बनाएं और बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं, बहुत अच्छा बनता है। और मार्केट का जो जैम होता है वो महंगा भी रहता है, ये तो सस्ता में हो गया। 4 सेव को हमने बनाया है और 1 cc जो होता है जैम का आता है वो भर जाएगा। तो ये बहुत सस्ता भी पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और हम इसे बनाते रहते हैं बराबर। तो आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी महीने भर के लिए फ्रिज में रख भी सकती हैं। एक बार बनाएं और महीनों भर खाएं और इसका स्वाद लें, आनंद लें। और ये वीडियो कैसा बना है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसका भी ज़रूर आप मेरे चैनल पर इसका भी कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो ये हमने ये केले के पराठे के साथ हमने इस जैम को सर्व किया है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई